ते ईद पीऊ दरले 39 हिजरी दा रमजान ते ईद पीऊ दरले 40 हिजरी दा रमजान 19 तक सुख नाल 19 कोल 21 ते पीऊ दे जख्मां ते पटियां ते 21 कोल गिन के आवण वाली ईद तक नबी दियां नवासियां मिट्टी ते बह के बाबे दियां मुकाना चलिया। मैं लख बारी पढ़दा मगर टाइम नहीं तो रोजेदार ही हो नहीं ही वे तो मैं लख बारी वला ही अगल चकर 40 हिजरी दा 19 तक प्यू नाल सुख नाल 19 कोल गिन के 21 तक प्यू दे जख्मां ते पटियां 21 कोल गिन के ईद तक मिट्टी ते बह के प्यू दियां मुकाना चलिया। अब आगरा शाला इको बैन करना चाहना 40 हिजरी दा इन्हां बालों को डक बहुत थोड़ा है बाल शैतानियां ना करना 40 हिजरी दे रमजान को मेरे मौला अली दिना राती को तकसीम फरमाया। अगर कह पुत्र को सहरी करने हैं तो वत कह धी को वन की अफतारी करने हैं। 17वां रोजे ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ 17ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਏ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਪਿਓਲਾਦ ਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਏ ਤੇ ਭੇਣ ਪਾਕ ਸੈਣ ਦੀ ਧੀ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਏ ये भी जाफर तैयार दी नौ है कोई उलू में पट्ठे रिश्ते इन्हें तब्दील की दी खड़े उन्हें जो फलाने कमीने नाल सैन दा निकाह कमीना दे कमीना दवेंदियां शरीफां दियां शरीफां दवेंदियां अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार दे घर तुहाडी वड्डी सैन है तुहाडी ते मेरी आना मुहम्मद दी अमड़ी ते मुहम्मद इब्ने जाफर तैयार यानी अब्दुल्ला तू छोटा बेरा मुहम्मद ए भी जाफर तैयार दे पुत्रे इंदे घर तुहाडी बे औलाद सैन है समझ आ रही है बाबे को अल्लाह दिता अपने आप ही चा कसम अल्लाह मैं को पुत्र ना भी दिता एक धी दिती हुई है जेडी मेरे बाबे को अंज के अफतारी दी दावत ले आया हूं जेडे धियां वाले गैरतमंद बैठे वो कमीने ना जेडे धियां दे पैसे मंगदे जिन्हां को धियां दी इज्जत दा पता है कहंदे धी दे दुख ते वो रोंदे जे को अपनी धी दी इज्जत दा पता होवे ना शरीफां को धियां शरीफो इक्को जियां प्यारियां होंदियां ते हर गैरतमंद पिओ को धी दा वड्डा दर्द होंदे जेड़ी पिओ औलाद धी गल दिल च कीती ते धी दे दिल आली गल अली दे दिल च गल नहीं आई तीर लगे उथों वल पैन धी आले पासे मेरी सैन उठी के इस्तकबाल कीते मौला मीर धी दे गल च बाह पाईन तो फिर मैंने मेरी धी मेरे मालिक ने शिकवे न कर ओ मालिक उनकी मर्जी कहे को औलाद देंदे रिज़्क नहीं देंदा कहे को रिज़्क देंदे वसी औलाद नहीं देंदा वो उनकी अजमायश है अपनी मखलूक वास्ते कहे को रिज़्क ही नहीं देंदा औलाद ही नहीं देंदा अजमायंदे कहे को रिज़्क ही देंदे औलाद ही बेबहा देंदे वत अजमायंदे समझ नहीं बैठी वाली वाले ये मेरे मालिक दी अपनी मंशा है अपनी सोच है तेरी कर रहे ना तेरा धी पुत्र होंदा तो मैं को अफतारी दी दावत करेहा तेरी औलाद नहीं तो मैं खुद तुर के आया बिना कुल तो एक वक्त रखा है ना सहरी या अफतारी तेरे दुख वास्ते कल शाम दी अफतारी तेरे रले करे ते उन्नी दी सुबह दी सहरी तेरे रले करे बस नेड़े गना मैं वो मैं गुल नासिर आ गए भी मत गलू साहब आ वने वो आउंदी इंतजार न तो मैं हूं ती खत्म कर देता हूं इंतजार मुकम्मल होगी जरा टाइम आख गए 4 की बजाय हूं 4:30 हो गए।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇਰੇ ਰਲੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਸੈਰੀ ਤੇਰੇ ਰਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਜੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਛੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਿਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੜਦਾ, ਰੋਵਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਤਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਿਓ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਰੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਸਾਂ, ਅਫਤਾਰੀ ਰੱਖ ਛੋਣੇ, ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛਾ ਛੋਣੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛਾਈਏ, ਮਗਰੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰੈ ਪਿਆਲਾਂ ਚ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਚ ਨਮਕ, ਇੱਕ ਚ ਖੁਰਮੇ ਖਜੂਰਾਂ, ਇੱਕ ਚ ਮਿਲਕ ਬਣਾਇਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਏ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਤਰੀਆਂ ਪਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੇ ਧੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤਰਾਏ ਸ਼ਾਈ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਵੇਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ, ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਸੂ। ਇਹ ਮਿਲ ਕਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਕਹਿ ਮਾਫੂਰ ਜਾ ਤੇ ਰੱਖ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਢਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹਾਂ। ਹਏ ਕੁਫਰੇ, ਹੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਕ ਵਾਲਾ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਛੋੜੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਯਾਰ, ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤ ਥਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ, ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੁਲਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ 4000 ਰਕਾਤ ਲਵਾਫਿਲ ਪੜੇ ਔਰ ਹਰ 2 ਰਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸੱਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚੌਖਟ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈ ਚੌਖਟ ਛੋੜ ਕੇ ਸਿਹਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਵੰਜ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਦਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਮੇ ਦੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮੌਤ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਅਵਲ ਹੱਕ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਹੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖੜਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਇਹਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਇਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲੇ ਉਜੜੀਆਂ
ये जिया गल्लां करण दे बावजूद मैं को पता नहीं लगा, मैं को वेले पता लगा जले सहरी तो बाद मेरे साथ हाथ लग के फरमाए ने हूं राजी है। सहरी की टीम अफतारी की टीम रात ही गुजारी होनी ज्यादा ते तेरा बाबा लगा बने। बीबी आदे जिवे रात गुजारी आई फजर दी नमाज थाई पढ़ जा जिवे रात गुजारी आई पजे दी नमाज थाई पढ़ जा मेरे मौला फरमाए मेरी धी गुलदस्ते को इंतजार है तेरे बाबे दी अदान दी मेहराब मसले को इंतजार है मैं को नमाज पढ़ाऊंगी नमाजियां को इंतजार है मेरी जमात कराउन दी कोई समझ नहीं बैठी बीबी आदे बाबा तेरे बचड़ा दे लहजे तेरे नाल मिलन कै पुत्र को आख फजर दी अजान चढ़े मेरे वीर हसन को आख तुहाडी जात नमाज चबड़ा है मेरा इमाम आले भिरावां दी अजान नित सुन दी राजे बाबे दी छेकरी अजान सयाला दे बाबे दी छेकड़ी आजान नहीं वत में आजान नहीं देवड़ी दिरावां दी जमात नित नक्शे बाबे दी आखरी जमात आई बीबी आदि मैं बाबे दे गल च बाही पाई गल बड़ी शफकत नाल बड़े प्यार नाल मेरे बाबे अपने गल चो हाथ छुड़ाए सार चूम के टुर पे बाबा कदम चाहता है मेरे च जुरात नहीं जो मैं टुर के पिछू बाबे दा दामन पकड़ा मेरी जुरात नहीं जो मैं भेड़ी बिरावा को हकल मारा बाबा टुरदा वेंदा है मेरे दिल च घेरे पौंदे गए बाबे दी टोली लगली आई जिए हुणे यतीम पईयां थीनियां है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अगला लफ्ज बिस्मिल्लाह जाकरी दा नहीं ये असूल काफी दी रिवायत है तुहाडे मज़हब दी बड़ी मोतबर किताब है असूल काफी बीबी आदि बाबे दे देदी खड़ियां वेले की मेरी निगाह है साडे घर दियां पालतू बदखां जड़ियां पहले तो हवेली च कोई ना हैं अल्लाह जाने किस वदियां मेरिया अखियां जुनाल भरिया हुई मैं डिठा है परिंदे पार मरेंदे चीखा मरेंदे साड़ी हवेली च लथन मेरे बाबे कुवेर गई कई अदाज चुनिया बैलिए कदमा ते मूरा के अपनी बोली चाहदियां मैं को पता लग रहा मेरे बाबे दी मिन्नत करेंदियां आदियन बैर मतन धीर रोल वजली बसते रहो सब कांदे हाथ फेरे तो सल्ला दिता फरमाइश मेरी औलाद लैके मेरे पुत्र दियां तुहाडी हिफाजत करे सन तुर गए मेरा इमाम एक कमीना मस्जिद दे फुआड़ी छप्पा होए मेरे इमाम खबे पेर दा थुड़ा मारे फुआड़ खुला है ए लाइन उल्टा सुता होए अमूदर मेरे इमाम इतू पकड़ा है पर मैंने इब्ने मुलजम इस्लाम इजाजत नहीं देना मस्जिद इन समणा जिमें तू सुता पे इन समणा मस्जिद हराम है
कोई समझ आती पी है। कहेंदा मेहमान बड़ा होए हा, कहेंदे देरे ते लगा वजी हा, अगर कोई ना भी रहेंदा मेरा हसन वड़ा सखी लाए वाजा दफा थी वाजा पत्पर लांग को हकला मरेंदा मेरे पुत्रां दा मेहमान बनाओ या अगर मेरे नाल नफरत आवी पहले मस्जिद है त्रीजा बंदा कोई नहीं है कि तू है एक मैं मेरी औलाद क्यों जलाना है मेरी दिया को सफारिश क्यों यतीम बनावा क्या मैं तेरा चंगा इमाम नहीं कदा मंगियाई मैं नहीं दिता कदा कोई फैसला की लय मैं आदल नहीं की एक कमला है सही अला दे डर नहीं हुशियार होने नमाविया वाल तभी ये हाल ले के कोई तक मार न छोड़े वुजू कर तैयारी कर तू अपना काम करें मैं अपना करें गुलदस्ते आजान ते चढ़ के मेरे पहले इमाम अजान शुरू की थी फरमाए अल्लाह अकबर मेरी बेलाद देना दी अल्लाह अकबर लाई तीर आई जेड़ा मेरे जिगर दे पार लंघ गए दीवारों ने टेक गिली हुई भेड़ी दे दर से आखड़िए अदिये उजड़िए बाबे दी आजान सुनो बाबे दी आजान दसे नहीं पई असा उजड़न वाली है बस दे रहा हूं बिस्मिल्लाह नमाजी आ गए पहली साफ अली दे खानदान भी बनी अली दे पुत्र भतरीजे बाकी सफा नमाजियां साहबियां नहीं ए हराम ज्यादा त्रीजी साफ विच अली दे सेहत ते खड़े दीन मरो रख कहां जाती अली दे सेहत ते खड़ा है मेरे त्रीजे इमाम मजलूम मुसाइन अकामत आखी जमात खड़ी हो गई नमाज मिटी गई तकबीरतुल इहराम दे बाद कयाम कऊद मैं देखो बालों दो ख्याल न करो लोग आदन शिया पहले इमाम दी शहादत घाट पढ़ देन ते जाकेरा दिनी वास्ते नहीं पढ़ी नी जो खुश्क मजमून है रोंदा क्यों नहीं हो केड़ा हलाली पुत्रे जेड़ा प्यू दगामी च नहीं रोंदा केड़ा है जेड़ा इन्ना चौली दी औलाद नहीं धिया बैठियां पुत्र बैठे इमाम प्यू दी जा होंदे नहीं तुहाडा प्यू जिन्हां दा प्यू परसों टुर गया होए ओ किवें ईद कर सकदे ने शिया न रोसें ते कौन रोसी पहला सजदा मेरे इमाम दाई कमी ने जल्दी नाल आके जरब मारी अमामे ने टुकड़े टुकड़े मुसल्ला लौलहान थी गे मेरा अब रतो रत हो गे जिब्राईल डाली थी कद को तेला वीरल मोमिनी मौला दे जवान सावी अली दे बचड़े कातिल दे पिछू दौड़े न पकड़न वास्ते बुजड़े बुजड़े सावी ते नमारी मस्जिद दी दीवारां नाल टकरा वने मरे हाय साला चंगा इमाम हाय साला दिल इमाम हसन बाबे दा सर झोली च पाई बैठा है
हुसैन पीऊ दे पैर जोली चाई बैठे हौले हौले आना बैठे बाबा धीया ही वास्ते सदवाई या अचानक मस्जिद आलिए मेरे मौला मीर दा सर हसन दी झोली चू लथा है हसन आले बाबा जखम दा डर नहीं अली आले नासन जखम दा डर नहीं नंबाबियां कुआक साबियां कुआक मस्जिद छोड़ दे मैं मेरिया धीया गई नवाबी अकी दिया मामी रह के मस्जिद छोड़न लगे अली दिया दिया इवियां जिवे झेक ते पानी आंदा है वड्डी भेण बिरा दा मोड़ा नाप क्या दिए एक टाइम पुत्रां दा नहीं धीयां दा होंदा है बाबे दा सर में गुड़े रात में पुझे दिया बिस्मिल्लाह खत्म प्यू दसार झोली पाई बैठी अपनी चादर नाल हुसैन दी भी बाबे दी रात बुझे नहीं बैठी आदि बाबा मैं लड़ेख मैं तेरी दी अली अक्की जन उठिए मेरी सैन अकल मारिए हसन हुसैन जरा करीब आओ फिरा करी बहन बहन क्या हुक्म है अदिये नीता दियावे बाबे देख मैं केड़े वेले दी बाबे दे दी बैठी मैंने बाबे कोल पूछना मैंने क्यों नहीं देना मैं कुए तदसावे जमाई दिखी वे करा मैडम मालिक सारी अजीब इबादत कबूल फरमाए।